और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अमरूद के पत्तों की चाय। ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे 4 से 5 पत्ते अमरूद के ले लेंगे, इनको अच्छी तरह धो लेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह धोने के बाद देगची चढ़ा लेंगे, चूल्हे पे देगची में डालेंगे 1.5 कप पानी। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसे जितना पानी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। 1 गिलास पानी जाएगा, पानी को अच्छी तरह कर लेंगे। यहाँ पे अब अमरूद के पत्ते डालेंगे जो हमने धो लिए थे, अच्छी तरह अब इसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह गर्म कर लेना है पानी को, 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। उबाल आने के बाद, उबाल आना शुरू हो गया है पानी में। अगर आपको जुकाम है, खांसी है, कुछ भी है, ये तब आप पी सकते हैं, इसे बहुत फायदेमंद है। अच्छी तरह पानी को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे पानी में बॉईल आ चुका है, देख सकते हैं आप कलर भी चेंज होने लग गया है, कलर भी चेंज होने लगा है, देख सकते हैं आप। अच्छी तरह पका लेंगे इसे, बिल्कुल अच्छी तरह बॉईल आने के बाद 5 से 7 मिनट तक पकाना है। बॉईल आ चुका है पानी में, देख सकते हैं आप, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए, देख सकते हैं आप कलर बिल्कुल अच्छी तरह चेंज हो चुका है इसका। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस चाय को बनाना, बहुत ही आसान है, अच्छी तरह बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चाय हमारी हो चुकी है तैयार, तो अब 1 कप में निकाल लेंगे, छान लेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं अमरूद के पत्तों की चाय हो चुकी है तैयार। तो आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।